नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, जस्ट एमएम में आप सबका स्वागत करते हूँ। आज हम बनाने वाले हैं दही। दही कैसे जमाना है हम आज देखने वाले हैं। चलो फिर हम उसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, तो इसको हम अभी बॉईल करने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमने दूध को गैस के ऊपर रख दिया है उबाल आने के लिए, बॉईल करने के लिए। तो इसको हमें बीच में से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा दूध उबल चुका है। अब हम इस दूध को गुनगुना होने की राह देखते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, हमारा यहाँ दूध गुनगुना हो चुका है। हम इसमें अभी दही मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है। इसको हम अभी पानी डाल के इसका छाछ बना लेंगे, पतला बना लेंगे इसको। ये देखिए, मैंने इसको पतला बना लिया है छाछ जैसा। फिर हम इसमें ये मिक्स कर लेंगे। दही को आप डायरेक्ट मत मिक्स कीजिए, इसको पानी मिला के इसको पतला बना के फिर दूध में डालिए, ताकि वो पूरे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके। इसको आप वार्म जगह पे रखिए ताकि दही अच्छे से जमा हो जाए। आप चाहे तो माइक्रो ओवन में रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं। आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप इसको कबर्ड में रख सकते हैं, और जहाँ पे भी आपके यहाँ वार्म जगह है वहाँ पे आप रख सकते हो। तो हम इसको अभी 5 घंटे दही जमाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसको 5 घंटे के लिए रखा था। देखिए, हमारा दही अच्छी तरह से जम गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम बढ़िया जम गया है हमारा दही। इसका आप श्रीखंड बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं। और हमेशा फ्रेश दही खाओ। खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो ये टिप मेरा ज़रूर याद रखना आप। दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आप रोज़ 1 कटोरी दही खाने से पाचन क्रिया सही रहती है। तो दही में कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और मोटापा भी कम होता है दही से। और सौंदर्य के लिए भी दही बहुत फायदेमंद है। तो आप भी ऐसे दही लगाइएगा और प्यार से खिलाइएगा सबको। मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, मेरी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, बाजू में जो बेल का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। मिलते फिर हम ऐसे ही नए रेसिपी के साथ।